दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। हम अनार की बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर जाकर इजीली देख सकते हैं। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने लिया है ये एक 5 mm का ग्लास और इसको रख दिया है 4 लकड़ी के ब्लॉक्स के ऊपर और साथ में हमने लिया है ये आपका जाना पहचाना अनार। तो आइडिया बड़ा सिंपल है कि अनार को नीचे रख के इसमें लगा देंगे आग और फिर देखेंगे कि ये अनार जो है क्या इस कांच को पिघला पाएगा या इसमें छेद कर पाएगा, क्योंकि अनार का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 2000 से डिग्री से ऊपर तक हो सकता है जब वो जलता है तो। और साथ ही साथ जो ये ग्लास हमने लिया है इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो अगर हम इन दोनों के टेम्परेचर का कंपैरिजन करें तो इजीली पता चल रहा है कि जो अनार है इजीली इसमें छेद कर देगा या इसको पिघला देगा। लेकिन यार क्या एक्चुअल में ऐसा होगा या नहीं ये तो हमें वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो जल्दी से आ जाइए गाइस, लगा देते हैं अनार में आग और कोशिश करते हैं कि हमारा ये छोटा सा अनार इस 5 mm के मजबूत से कांच में छेद कर दे। तो गाइस अब लगाते हैं अनार में आग और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। कि एक इस छोटे से अनार ने हमारे शीशे का ये हाल कर दिया है, इसके टुकड़े जो हैं चारों तरफ बिखर गए हैं। एक समय हमें ये लगने लगा था कि कांच का जो ये वाला हिस्सा है आप देखिए किस तरह से टूट चुका है, यहाँ पर छेद हो जाएगा, लेकिन अनार ने बुझने से पहले इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो गाइस ये है रिजल्ट, ये होता है जब हम एक कांच के टुकड़े के नीचे इस तरह का कोई अनार रख देते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।